उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव से पहले जीएसटी की टीमें जमकर छापेमारी कर रही हैं। इस वजह से प्रदेश के व्यापारियों में न सिर्फ दहशत है बल्कि आक्रोश भी है। राज्य के कई जिलों में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। जीएसटी की टीमें दुकानों पर जाकर कागजात खंगाल रही हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर एक्शन ले रही हैं। वहीं व्यापारियों में भारी आक्रोश को देखते हुए योगी सरकार ने इस छापेमारी पर 72 घंटे तक के लिए रोक लगा दी है। तो यूपी में जीएसटी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, जिसके चलते व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी को देखते हुए अभी फिलहाल सरकार ने 72 घंटे तक इस छापेमारी पर रोक लगा दी है। अब कोई छापेमारी नहीं होगी अगले 72 घंटे तक और इसके बाद यूपी में जीएसटी की छापेमारी को लेकर व्यापारियों का ये आक्रोश देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता जुड़ गए हैं। आलोक, ये जो जीएसटी है 2017 में लागू तो इसलिए किया गया था कि जो पेचीदगियां हैं, जो मुश्किलें हैं इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर, उसे दूर किया जा सके, लेकिन ऐसा लग रहा है यही गले की फांस बनता नजर आ रहा है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश के लगभग 71 जिलों में जीएसटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, व्यापारियों पर शिकंजा कसने का काम किया है, टैक्स चोरी के मद्देनजर ये सेंट्रल का उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से ही जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है। हर जिले में जीएसटी की टीम पहुंची है। मार्केट चाहे बड़ी हो, छोटी हो, गांव की हो, कस्बों की हो, टाउन एरिया की हो, हर जगह पर जीएसटी की छापेमारी हुई। व्यापारियों में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। मैं बताना चाहूंगा, कई जिलों से जो खबरें आई हैं, व्यापारी अपनी दुकानों के शटर गिराकर बाजार बंद करके निकल गए हैं और इसकी जब जानकारी लखनऊ मुख्यालय तक पहुंची है, पोस्ट सरकार तक लोगों ने अप्रोच की, अपने स्थानीय विधायक सांसद मंत्रियों को भी व्यापारी ने कहा कि इस तरीके से जो छापेमारी हो रही है उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है, वो टैक्स को हमेशा पे करते आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जीएसटी विभाग का ये छापेमारी की कार्रवाई उन व्यापारियों पर। आलोक, लेकिन 72 घंटे तक के लिए तो रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद क्या व्यापारियों से अलग से कोशिश की जा रही है उनको मनाने की, समझाइश की, किसी तरह से बातचीत की? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, व्यापारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री योगी तक अपनी बात पहुंचाई, जीएसटी कमिश्नर तक अपनी बात पहुंचाई, जिसके मद्देनजर फिलहाल 72 घंटे के लिए छापेमारी पर रोक लगाई गई है और शासन स्तर पर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से जो व्यापारी जीएसटी को नहीं पे कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं और सरकार तक जो जीएसटी का टैक्स पहुंचना चाहिए नहीं दे रहे, इस लोगों में ऐसे व्यापारियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, इस बात को लेकर भी पत्थर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महीने बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनाव होने और ऐसे में व्यापारी वर्ग अगर इस तरीके से नाराज हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी संकट आ सकता है और इसके मद्देनजर फिलहाल 72 घंटे के लिए जीएसटी की छापेमारी पर रोक लगाई गई। अगर आगे भी इन छापेमारियों पर रोक नहीं लगती आलोक, तो क्या कुछ कहना है व्यापारी संघ का कि अगला कदम क्या होगा फिर इनका? देखिए, मैंने बताया ना कि जीएसटी की छापेमारी और जीएसटी के व्यापारी को कहना है कि जीएसटी के अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने दुकानों को शटर गिरा दिया है, मार्केट बंद कर दिया है, कई जगहों पर पूरे पूरे बाजार बंद हुए हैं और इसकी जब खबरें लखनऊ तक पहुंची तो सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है। व्यापारी संगठनों ने भी सरकार से अप्रोच किया है कि व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और फिलहाल 72 घंटे के लिए जिस तरीके से रोक लगाई गई है, शासन स्तर पर भी मंथन चल रहा है कि किस तरीके से अब जीएसटी की आगे की कार्रवाई को किया जाए और खासतौर से जो व्यापारी जीएसटी को पे कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और जो लोग पे नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई, 2-3 दिन के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या अब नगर निगम चुनाव से पहले एक बार फिर अभियान चलाया जाएगा या चुनाव के बाद अभियान। जी, शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी।